हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहाँ जा रहे हो? 5 ही मिनट तो लेट हुई हो। अरे इन 5 ही मिनटों में मेरा खेल खत्म हो जाता। वो निशाद के प्लाट में मैंने देखा इतना बड़ा। अब चलो यहाँ से। सुन लो, जो कोई भी हो, डरता नहीं मैं इन फालतू अफवाहों से। देखो खड़ा हूं मैं इधर। ए फट्टू, ए चल दे। ए फट्टू रुकना। क्या बे, ज्यादा हीरो बन के होशियारी मार रहा है। सिर्फ 2 मिनट में इस फट्टू की पैंट गीली हो गई। ओए ओए, इसने ना पैंट में सुसु कर दी। बोला ना छोड़। क्या बे, अभी चुपचाप निकल लो यहां से तुम लोग। साहब अब किससे पिट के आ गया? पापा वो शुभम और उसके दोस्तों। बस यही सुनने को बचा था कि लोग कहे कि गुप्ता का बेटा अपने दोस्तों से पिट के घर आता है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर तू। ऐसी बात नहीं है पापा, मैं तो बस उस प्लॉट में। तू उस नितेश के प्लॉट में गया था, वो भी इस वक्त शाम को। बोले में क्या चल रहा है मालूम है ना? क्या बातें हो रही है? तो अंदर चल। पापा नहीं, पापा चल। पापा 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 पा। यश बुरा मत मानो, पापा को तुम्हारी चिंता है ना, इसलिए तुम्हें पता है ना आजकल क्या चल रहा है बाहर। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? मुझे डर नहीं लगता। काका हाँ? मेरा वाला केक दो ना। हाँ बेटा। ओए तू ठीक तो है ना? तू भाव ही क्यों देता है शुभम को? तू जितना उसको भाव देगा ना, वो उतने तेरे मजे लेंगे। तेरे लिए आसान है ना ये भाव लेना? अब इतनी महंगी बाइक, इतने महंगे कपड़े, मेरा बाप थोड़ी ना दिलाता है मुझे। अबे मेरे बाप का नहीं है सब, मैंने खुद कमाया है। ये देख। ये क्या है? 2-3-5। अबे भोले भंडारी, ये पोकर है, पूरी दुनिया खेलती है और भाई इससे लाखों कमा सकते हैं। अगर आप जीते ना तो पैसे ना आपके सीधा सिंगापुर से आपके अकाउंट में आते हैं भाई। अच्छा
अच्छा छोड़, हाँ चल घूम के आते हैं। बहुत मजा आया आज। हाँ थैंक यू सो मच। अरे क्या बात है, ऑलवेज भाई। बस बस इधर ही रोक दे, मैं आगे चला जाऊंगा। थैंक यू, बाय। हेलो, लैब जा रही हो? नहीं, नाचने जा रही हूँ। तू भी नाचेगा? नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि आज बहुत प्रीटी लग रही हो तुम। तेरे पीछे सांप है। पट्टू, घर जाके उम्र कर। सुनो ना, वो मुझे कुछ बताना था तुम्हें। हाथ छोड़ मेरा। सुन तो लो। हाथ छोड़ मेरा। क्या कर रहा है लड़की का हाथ पकड़ रहा है? नहीं वो तो मैं भैया मेरा पकड़ना। साला लड़की का हाथ पकड़ता है साले। भैया मदद कर दूं? हाँ ठीक है। मम्मी, हम्म, आपको ना एक चीज दिखानी थी। क्या? दिखाऊं? हाँ दिखाओ। क्या कर रही है? इतना गिर गया तू कि मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ेगा? ये क्या कर रहे हैं आप? तू बीच में मत बोल। तुझे मालूम है वो लेबोरेटरी वाली जस्मिन मुझे सुना के गई दुकान पे। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम। मैडम मैं निजातपुरा से बोल रहा हूँ, मेरा बेटा कल से घर नहीं लौटा है। क्या उम्र है आपके बेटे की? 17 साल की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनोज बाजपेयी। एक सच्ची कहानी लेकर मैं क्राइम पेट्रोल के इस एपिसोड पे आया हूँ। आज के वक्त हमारे देश में युवाओं के सामने ऐसी चुनौतियाँ हैं जो कभी हमारे समय में मौजूद ही नहीं थी, जैसे कि मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया से जन्मा पीयर प्रेशर। नई पीढ़ी की तरह ये चैलेंज भी बिल्कुल नया है। इन चैलेंज का सामना हमारे युवाओं को अकेले ही करना पड़ता है, क्योंकि माता पिता और बच्चों के बीच जनरेशन गैप नामक खाई हमेशा मौजूद रहती है। सर कल 3 बजे हम बाजार सब्जी लेने जा रहे थे, अचानक पीछे से कोई आया और मेरा इतना महंगा 12,000 का फोन छीन के भाग गया। सब कल हुआ और आप आ जा रही? उस चोर की शक्ल देखी आपने? नहीं सर। हेलो, 17 साल का लड़का मिसिंग है निजातपुरा में। एड्रेस क्या है? एक मिनट रुको, खेलकर इनके फोन की डिटेल्स ले लो और फोन ट्रैकिंग पे डाल दो। जी सर। हाँ एड्रेस बोलो। आप आइए। हाँ हाँ चलो सर। मिसिंग की कंप्लेन है तो मामा को नहीं बुला लेते हैं ना? क्यों, क्या हुआ? सर वो निजातपुरा में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो सर, सर चलो सर। आपने यश के दोस्तों के साथ चेक किया? हाँ साहब, सब जगह पता कर लिया। ऐसे थोड़ी मैं आपको फोन करूंगा। वो फोन लेके गया है? गया कि नहीं? नहीं सर। कहाँ है? फोन दीजिए, फोन दीजिए। साहब मैं एक बात बताना चाहता हूं, यहां हमारे मोहल्ले में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम चल रहा है। शाम को 6 बजे के बाद में कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। क्यों? सांप निकलता है। सांप? सर इसलिए तो मैं आपको यहाँ आने से रोक रहा। सब ऐसे ही डरे हुए हैं सब लोग, और मेरा बेटा तो सांप से बहुत डरता था। साहब
ठीक है। अब फोन कर क्या रहे लोग, जा क्यों नहीं रहे? सुनिए, मुझे लगता है कि हमें पुलिस को सब बता देना चाहिए। मेरा मतलब है कि जो कल हुआ वो सब। तू तो चुप ही कर जा, तूने जो हरकत किया ना उसके बाद तो मुझे लगता है कि तेरे थोबड़े में मेरे हाथ के और दो चार निशान दूं। ए, क्या कर रही है? शाम होने वाली है, चल अंदर। देखिए सर, लोग कितना डरे हुए हैं। तुम डरे हुए हो? अच्छा, वो नहीं ना, तो पहले बच्चे को ढूंढते, सांप को बाद में देखिए। क्या चोरी हुआ? फोन रिंग भी हो रहा है और ट्रैक भी। ठीक है, थैंक यू। अजीब चोर है, नौसिखिया लगता है। कल दिन में आया था करीब 1-1.5 बजे तक, अपना फेवरेट मावा केक लिया और चला गया। इस दुकान में भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं और रास्ते पर भी कोई सीसीटीवी कैमरा दिख नहीं रहा, और वो फोन भी घर पर छोड़ कर गया। आप लोग इसे ढूंढ रहे हो नितेश के प्लॉट में? ठीक है, आते चलो। कहा था मैंने नितेश को कि मोहल्ले में सांप घूम रहा है, अपने प्लॉट को साफ करवा ले, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे बेटे को सांप ने नस लिया। मैं छोड़ूंगा नहीं सांप नितेश को। देखिए आप थोड़ा शांत हो जाइए, अब तक कंफर्म नहीं हुआ कि उसकी मौत सांप के डसने की वजह से हुई थी या फिर किसी और वजह से। पोस्टमार्टम होने दीजिए। एक बात बताइए, आपका बेटा आखिर वहां गया क्यों था? साहब, ये कैसे सवाल है साहब? इसका क्या मतलब है साहब? मेरे बेटी की बॉडी को देने का इंतजाम करा दीजिए ना साहब, प्लीज साहब। हमें नहीं पता कि वो वहां पर क्यों गया था सर। उसे ना डेयरिंग दिखाने का बड़ा शौक था, हीरो बनना चाहता था। हीरो वो बनना चाहता था या तू बनना चाहता था? अक्सर उसे मारा करता था तू, उस पर रोब जमाया करता था। सर अब कैसी बातें कर रहे हैं सर, वो मेरा दोस्त था, दोस्ती में मारपीट तो होती जाती है ना सर, कोई सीरियस मैटर नहीं था। जैस्मिन, अब तक रिपोर्ट रेडी नहीं हुए? बस कर ही रही हूँ। वो पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसका स्ट्रेस था, पर आज मैं ये सब कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, पर जल्दी करना। फोन क्लियर है, उसके फोन में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ऐसा लगे कि प्लॉट पर बुला के उसको किसी ने जान से मार दिया। अरे मैडम, आपका फोन मिल गया? हाँ सर, हंगामे के बीच बताना भूल गया था, यश की बॉडी से 10 मीटर की दूरी पर मिला था फोन। यही था वो लड़का शायद। यश के पास फोन नहीं था इसलिए उसने फोन चुराया, और सर उसने इस नंबर पर कॉल किया था, वो भी 2 बार। इस नंबर को ट्रैक करो, इसकी सारी डिटेल निकालो। जी सॉरी मैडम,
आपका ये महंगा फोन थोड़े दिन और हमारे पास रहेगा। क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है? आप लोगों ने हाथों में चुड़िया पहन रखी है क्या? मोहल्ले का एक नौजवान लड़का सांप के काटने से बेमौत मर गया है और अभी तक नितेश ने अपना प्लॉट साफ भी नहीं किया है, तो आप लोग उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? आप लोग शांत रहिए, हमें हमारा काम मत सिखाइए, तहकीकात चल रही है। अरे हवलदार निकालो इनको बाहर। सर आप कुछ कर भी नहीं रहे। अरे अरे इसे चलता रहेगा तो कैसे चलेगा? खेलकर हम पोस्टमार्टम का इंतजार नहीं कर सकते, हमें जाकर वो प्लॉट चेक करना ही होगा। मोहल्ले में बहुत शोर है। सर अगर उस प्लॉट में सच में सांप हुआ तो? सर मेरी कुंडली में सर्प दोष है, अगर मैं रहने दूं तो? मतलब वो नंबर भी तो ट्रैक करना है ना सर। सर आप भी शरद की बातों में आ गए, मोहल्ले वालों की तरह। सर मेरा नाम नितेश है, इस प्लॉट का मालिक हूँ, और सर यहाँ कोई सांप वाप नहीं है, लोगों को तो बस डरने का बहाना चाहिए, इसलिए मैंने एनिमल बोर्ड से पूरी ज़मीन चेक करवा ली है, ये सर्टिफिकेट है मेरे पास। सारा इंतज़ाम करके आए, इस सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी चेक करवा, वैसे भी हमें पूरा प्लॉट देखना है। जतिन सारा दिन बस ये तो गेम खेलता रहता है। जतिन आज सुबह सुबह ही शुरू हो गया। अब आप लेक्चर मत देना शुरू कर देना, पापा से पूछकर ही करता हूँ, और पापा को इस सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा तूने सुना मोहल्ले में क्या हुआ है? अरे वो लड़का यश तेरा दोस्त था ना, तेरे साथ बाइक पर घूमता था। क्या बोल रहे हो आप, कोई दोस्त वोस्त नहीं था वो मेरा, जान पहचान थी बस। अब मुझे खेलने दो, आप जाओ यहाँ से। मैंने कहा था ना सर यहाँ कुछ नहीं है। देखिए सर जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये शर उसका फायदा उठा रहा है और मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है, लोगों को भड़का रहा है। वो ऐसा क्यों करेगा? एक्चुअली सर ये जो शरद है ये कुछ साल पहले मेरे अंडर काम करता था, बाद में मैंने उसे निकाल फेंका। क्यों? चोर है सर, एक नंबर का चोर है, मेरी थाली में खा रहा था और मेरी थाली में छेद कर रहा था, तो मैंने पुलिस के हवाले कर दिया। सर बड़ी मुश्किल से बाहर निकला है वो, उसकी बीवी वो तो बेचारी टेंशन में मर गई। तो अनु? अनु तो दूसरी है, अभी दो साल पहले लेके आए, पहली वाली के गहने बेचे, नया काम शुरू किया, पर पता नहीं सर मेरे पीछे क्यों पड़ा। हाँ किलकर। सर ये नंबर जास्मीन नाम की लड़की का है, वो यहीं एक पैथ लैब में काम करती है। सर फोन यश ने ही लिया होगा, यश और जास्मीन के बीच एक बहुत बड़ा कांड हुआ था सर। नहीं पहचाना क्या मुझे? तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा, उल्टा मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ये देख ये लाओ तुम्हारे लिए। सर अब इसमें मैं क्या करूं? मुझे कॉल आया था, अननोन नंबर था तो उठा लिया, पता चला कि वो है तो काट दिया। सर मैं अकेली रहती हूँ, मोहल्ले के लड़के मुझे छेड़ते रहते, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? तो पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? सर मेरी शादी की बात चल रही थी, मुझे ये पुलिस का झमेला नहीं चाहिए था, और मैंने यश के पापा को कंप्लेंट की थी उसी दिन। अजीब लड़का था, पूरा दिन बस वीडियो बनाने के लिए वो बोलता रहता था। वीडियो? हाँ सर, उसका कोई वो मोबाइल में शूटिंग स्टार ऐप था, पूरा दिन बस उसी पे वो वीडियो बनाता था। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, ये मैं हूँ, ये मेरे पड़ोसी का घर है, ये मेरी छत है, और मैं यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा खा रहा हूँ। अभी ये कोई बताने वाली बात नहीं है ना कि मेरा बेटा किस लड़की के साथ में क्या करता है, लेकिन साहब ये सवाल मुझे आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? मेरे बेटे को तो नीतीश के प्लॉट में जो सांप है उसने काटा है। गलत, हमने पूरा प्लॉट छान मारा, वहाँ कोई सांप वाप नहीं है। आपको भी धोखा दे दिया उस नीतीश शाने ने, उसकी फैक्ट्री में ना एक आदमी काम करता है, उसका नाम है रामू, वो सपेरा है। अब ये नीतीश क्या करता है, उसकी मदद से पालतू सांप प्लॉट में छोड़ता है और फिर निकाल लेता है ताकि मोहल्ले में दहशत का माहौल फैले। इस नीतीश के बारे में बहुत जानते हैं आप? साहब जानता ही होगा ना,
पुराना पापी है वो, मेरी पूरी जिंदगी खराब की है उसने। 20% का पार्टनर था मैं उसकी कंपनी में, उसने मुझे झूठे इल्जाम में फंसा के कंपनी से निकाल दिया और टेंशन टेंशन में मेरी पहली बीवी भी चल बसी। मेरा दिल जानता है कि मैंने ये दूसरा बिजनेस कैसे चालू किया है। सांप का नहीं चूहे के काटने का निशान है ये? हाँ सर, लेकिन चूहे के काटने से किसी की मौत? सर मौत तो जहर की वजह से हुई है, उसके पेट में केमिकल पॉइजन मिला। और सर मौत का टाइम शाम के 6 बजे के करीब है। सर ये देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस जहर के अलावा कुछ केक जैसा भी उसके पेट से मिला है। वही केक होगा ना जो यश ने खरीदा था? केक में जहर कौन मिलाएगा? सर और एक अजीब बात पता चली है, सबका कहना है कि यश वीडियो बनाता था पर उसके फोन में ऐसा कोई ऐप मिला नहीं। किसी ने डिलीट कर दिया होगा, रिट्रीव करो उसको। जी सर। मैं कमेंट सर। कमेंट सर बोले। सर वो यश के मौत के बारे में सुना, आपको कुछ बताना था। क्या? सर मैं शरद गुप्ता का पड़ोसी, उस दिन मैं बेंगलोर जा रहा था तब मैंने देखा। निकल निकल पापा, निकल जा यहाँ से पापा। माफ कर दो पापा, पे कदम रखा ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, मर जाएगा तू मेरे हाथों से, समझा? दफा हो जा, देख मत, दफा। मतलब उसी दिन जिस दिन यश की मौत हुई थी? जी। कितने बजे? तकरीबन 12 बजे वापिस आया तो ये सुना तो सोचा एक बार आपसे बात कर लूं। ये शरद जो है ना एक नंबर का डिक्टेटर है सर, अपनी बीवी को मारता था, अपने बच्चे को भी मारता था, अपने बच्चे को तो जान से मारने की धमकी देता था सर। और एक दिन तो उसे मैंने दुकान से पॉइजन खरीदते हुए देखा सर। तो उसने ये भी छुपाया हमसे? व्हाट इज दिस, ये क्या है अचानक रास्ते में सब? आप तो मुझसे मिलते नहीं हो अब। अरे थक चुका हूं आपको मैसेज कर करके मैं। अच्छा नहीं किया आपने सर मेरे साथ। मैंने जो भी किया है ना वो ठीक किया है, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो या तो फिर तुम्हारे पापा। सर बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो आप मेरे साथ, आप भी जानते थे मैं बेस्ट था। हाँ पर गलत रास्ता चुन लिया था तुमने, जाने दो मुझे। सर नहीं, प्लान में थोड़ा सा चेंज है, मैं तुझे रूट बताता हूं, ध्यान से सुन। Excuse me, ये सोहम शर्मा का घर किधर है आप बता सकते हैं क्या? ये कार्ड भी है मेरे पास, हम जल्दी से बता दीजिए ना, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम था उनसे। ओ एमा, आगे से लेफ्ट ले लीजिए आप। थैंक यू। सर शरद ने हमसे एक और बात छिपाई, यश के मोबाइल से शूटिंग स्टार ऐप डिलीट किया गया है करीब 1 बजे। मतलब यश के घर छोड़ के जाने के बाद? जी सर, हमने उस ऐप को रीइंस्टॉल किया है, इसमें कुछ वीडियोज है सर आपको देखने चाहिए। पड़ेगा इस बाप से। किलकर, उस चुराए हुए फोन की लोकेशन लाओ जल्द से जल्द। जी सर। अक्कल ही नहीं है मां बेटे को कि क्या सही है क्या गलत है, मस्ती मस्ती में वीडियो बना दिया तो मैंने साहब वो आईपी डिलीट कर दिया। वैसे भी साहब मेरे बारे में मोहल्ले वाले 10 लोग 10 तरह की बातें करते हैं क्योंकि मैंने इससे दूसरी शादी की है, समझे ना साहब? अगर ये लोग वीडियो देख लेते तो उन लोग को और भी बोलने का मौका मिल जाता। मैं साहब आपसे कह रहा हूं ना साहब कि ये सब ऐप केमिकल पॉइजन इधर उधर की बातों में कुछ नहीं है। मैंने आपको उसका नाम बताया था ना, वो रामू सपेरा, उसको पकड़िए साहब सारी। आप हमें हमारा काम मत सिखाइए, आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि आपने अपने बेटे को घर से निकाला था या नहीं। हमने तुम मां बेटे को ऐसा वीडियो बना दे तुम लोग इस घर में निकाला था या नहीं? निकाला था साहब,
लेकिन मैं तो कई बार निकाल चुका हूं साहब, वो वापिस आ जाता है। अभी मुझे क्या पता था कि इस बार ऐसा हादसा हो जाएगा साहब। हाँ बोलो केलकर। सर लोकेशन मिल गई है, यश उस लोकेशन पर आधे घंटे के लिए रुका था, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। ठीक है। आपने इतना कुछ बताया पर ये नहीं बताया कि यश अपनी मौत से एक घंटे पहले आपके घर आया था। हमने पता किया, उसके फोन का लोकेशन यहीं आसपास का है। दो दुकानदारों ने बताया कि यश आपके बेटे से मिलने आया करता था, और एक बार नहीं कई बार आया। हाँ आता था यश यहाँ पर हमें नहीं पता उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। सर मेरा बेटा टॉप का फुटबॉलर है, मोहल्ले के लड़के उसे अपना लीडर मानते हैं। यश भी आया होगा मिलने। और सर मैंने जतिन को बोला था कि यश के बाप ने जो किया सो किया, लेकिन बेटे से अच्छे से बिहेव करें। उस शाम 6 बजे आपका बेटा जतिन कहाँ था? वो तो घर पर ही था यश के जाने के बाद। आप काम पर नहीं जा सकते अभी, आप दोनों को मेरे साथ चलना होगा। कैसे आगे मेरा लड़का ट्रक के नीचे, कितने धक्का दिया उसको? साहब मुझे नहीं पता, वो तो अचानक से मेरे ट्रक के सामने मेरे रोकने से पहले सब कुछ हो गया। पर साहब उसको हॉस्पिटल तो मैं ही लेके आया ना। एक तरफ एक पिता और उसका बेटा जिनके बीच हमेशा एक तनाव की स्थिति रही, और दूसरी तरफ एक पिता जिसने अपने बेटे की झोली में सारी खुशियां रख दी। दोनों में एक भारी समानता थी कि दोनों ने अपने बेटों को खो दिया। एक ही मोहल्ले के दो बच्चे मौत के मुंह में उतर गए। पुलिस का इनकी मौत की समानता और शहर में हो रही कोई बहुत बड़ी साजिश से पर्दा उठाने वाली थी, या फिर ये उनकी परिवार का आपसी रंजिश का मामला था। जतिन का फोन, जतिन का लैपटॉप, सब कुछ चेक करो। वो फुटबॉलर था, उसके कोच से, उसके टीममेट से सबसे बात करो। ऐसे कैसे शहर में बच्चे मर रहे हैं? मुझे उसकी पूरी की पूरी कुंडली मेरे टेबल पर चाहिए। सर मैं जतिन का कोच हूँ, जतिन को मैंने टीम से निकाल दिया था। क्यों? सर वो ऑनलाइन पोकर खेलता था, पिछले एक महीने से ज्यादा ही हो गया था, रात में भी खेलने लगा था सर वो। स्ट्रेंज, उसके घर वालों ने कभी बताया नहीं? सर मैंने उसके पापा से बात की थी, नितेश जी कहने लगे खेलने की उम्र है उसकी, करने दो उसको। सर जतिन के साथ जो हादसा हुआ है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स ही जिम्मेदार है उसके लिए। वैसे जतिन भी आया था हादसे से एक दिन पहले, उससे भी बोला था मैंने। मौत से एक दिन पहले? क्यों? झगड़ा करने सर, क्योंकि मैंने उसे ट्रायआउट में नहीं भेजा सर। ट्रायआउट? साफ साफ बताइए। सर हमारी एकेडमी का नेशनल टीम के साथ टाइप है, हर साल हमारे यहाँ से 5 प्लेयर ट्रायआउट के लिए जाते हैं सर। जो प्लेयर चुने जाते हैं उन्हें नेशनल लीग में खेलने का मौका मिलता है सर। जतिन भी जाना चाहता था लेकिन मैं उसके खिलाफ था, क्योंकि मैं जानता था वो सिर्फ पैसे के लिए जाना चाहता था। सर मैं आपका बेस्ट फुटबॉलर था, आपको ट्रायआउट में मुझे भेजना ही पड़ेगा सर। वो 20 लाख रुपए मुझे किसी भी हालत में चाहिए सर, और वो पैसे मैं लेकर रहूंगा। अमीर बाप का बेटा है, पैसों की इतनी क्या जरूरत पड़ेगी? पोकर में बहुत हार गया था क्या? सर जी सर। आप जाइए, आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको वापस बुलाएंगे। जी सर। बोलो केलकर। सर जतिन की कॉल डिटेल्स आ गई, मैंने चेक किया, ये देखिए सर, जतिन ने इस नंबर पर कई बार कॉल की। जैस्मिन का नंबर? मतलब ये जतिन के साथ भी जुड़ी हुई थी? जैस्मिन तो कल से छुट्टी पे है सर, शायद उसके पापा की तबीयत कुछ खराब है। मतलब वो गई और जतिन मर गया। एक मिनट, 17 तारीख को वो यहाँ आई थी? हाँ शायद। हाँ सर 17 को आई तो थी, लेकिन 1 घंटे के लिए बीच में कहीं चली गई थी, शायद कोई रिक्शा में आया था। सीसीटीवी कैमरा है यहाँ पर? हाँ हाँ एक सेकंड। पोकर का क्या है सर, आजकल तो और कोई खेलता है, जतिन भी थोड़ा बहुत खेलता था पर इतना नहीं खेलता था।
क्यों आप पर्दा डाल रहे हैं? हमारा जन्मदिन नहीं रहा सर, पिछले महीने वो बहुत ज्यादा खेल रहा था, यहाँ तक कि उसने खाना भी छोड़ दिया था। आपने तो कभी उसकी खबर नहीं ली, इसीलिए तो हमें पता ही नहीं कि आज हमारे बेटे को आखिर हुआ क्या। उसने जब जब आपसे पैसे मांगे आप उसे देते गए, और उसने उन पैसों का क्या किया, वो कौन सी होटल में गया, सर हमें कुछ नहीं पता। एक बात बताइए, ये जतिन जो पोकर खेलता था वो पैसे कौन से अकाउंट में आते थे? जतिन के? मुझे डिटेल दीजिए अकाउंट की। आप दोनों जैस्मिन नाम की किसी लड़की को जानते थे क्या? उसके बारे में सुना था? ठीक है, जैस्मिन नहीं तो रामू के बारे में सुना था। रामू आबे की फैक्ट्री वाला, भेज दीजिए उसे। इसमें जतिन की बैंक डिटेल्स है, उसे स्टडी करो, और जतिन की ब्राउजर हिस्ट्री से वो पोकर साइट की डिटेल निकालो। सर हाँ सर, जतिन की मौत जिस रोड पर हुई थी मैंने वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक किया सर, साफ साफ दिख रहा है कि जतिन जानबूझ के ट्रक के सामने कूदा था। जब वापस लौट कर आई उस वक्त का फुटेज दिखाएं। हाँ। इसका परमानेंट एड्रेस दो। बाप के यहां गई ना, वहीं से पकड़ता हूं इसको। कैसे माँ बाप है, कैसे इनको अपने बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता? सर आजकल के माँ बाप पैसा कमाने के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं। सर शरद ने सही केस किया था उन वीडियोस के बारे में। ये देखिए यश के उन वीडियो पे कितने गंदे गंदे कमेंट आए, और सर किसी नॉटी एस ने उसकी सोतेली माँ के बारे में बहुत गंदे गंदे कमेंट किए। ये किसी ईशा नाम की लड़की ने यश को डिफेंड भी किया, ये दोनों जानते हैं क्या यश को? सर पता नहीं। एक काम करो, इस ऐप की कंपनी में कांटेक्ट करो और इन दोनों की सारी डिटेल्स निकालो। ठीक। सर हमारा काम तो बिल्कुल लीगल है, देखिए कितने सारे लोग लाइव खेल रहे हैं और जीते तो पैसे सीधे आपके अकाउंट में। मुझे इस आईडी के बारे में डिटेल्स चाहिए। सर ये तो 50,000 प्रॉफिट में है, पिछले एक महीने से बहुत गेम खेला है, इनफैक्ट लास्ट गेम में सबसे बड़ा अमाउंट जीता है, परसों ही 2 लाख। वैसे जीता? स्ट्रेंज। यस, उनके और उनके पार्टनर के अकाउंट में 1-1 लाख ट्रांसफर भी हो गए। कौन है उसका पार्टनर, उसकी डिटेल मिल सकती है? तुम यश के साथ बाहर गई थी और उसी के खरीदे हुए केक में जहर मिलाकर उसी को खिला दिया तुमने। नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो यश के साथ बात भी नहीं करने वाली थी। क्यों फोन किया है मुझे? दीदी एक बार मिल लो मुझसे, बस सॉरी बोलना है, मैंने जो भी गलती की है उसके लिए, उसके बाद मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा। इसलिए बस उससे मिलने चली गई थी, और उसने अब तक मुझे जितना भी तंग किया था उसके लिए वाकई में वो सॉरी बोलने के लिए आया था, और हम बाहर भी गए थे, उसने आइसक्रीम भी खिलाई थी, पर सर मैं डर गई थी कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए। पर लोगों को तो पता चल गया तेरे और जतिन के बारे में। सर इसके बाप की तबीयत खराब है क्योंकि इसका रिश्ता टूट गया है। हाँ, क्योंकि किसी ने मुझे जतिन के साथ देख लिया था, मिलती थी उसको, अच्छा लगता था उससे बात करना, उससे मिलना। ए, फुटबॉलर था, हैंडसम था। सर अगर एक लड़की किसी लड़के को मिलती है तो इसमें गुनाह है क्या? एक बात बताओ, तुम जतिन के साथ घूमती थी ना, तो तुमने कभी उसमें कुछ अजीब नोटिस किया? हाँ सर, वो पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब बिहेव कर तो रहा था, वो बीच बीच में खो जाता था और पैसों के बारे में ही बातें करता था। क्या पापा आपने अब तक बिरयानी नहीं खाई? रुके मैं ले आता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो, अंदर कैसे आई केटरिंग वालों के साथ? ऐसे तो अंदर आने नहीं देते तुम मुझे, और ऐसे नहीं आती तो मुझे कैसे पता चलता मुझे बर्बाद करके तुम अपने घर वालों के साथ बिरयानी खा रहे हो? ठीक है, आप थोड़ा धीरे बोलो प्लीज। सबको पता चलना चाहिए ना कि तुमने मेरा क्या हाल किया है। दिया, जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं, तुम्हें मुझे कमिटमेंट देना पड़ेगा, मुझे आज कमिटमेंट चाहिए। तुम क्या चाहती हो? तुम्हें नहीं पता मुझे क्या चाहिए।
दो हफ्ते हो गए, एक हफ्ता कहा था आपने। वो कॉल डिटेल्स मुझे आज के आज चाहिए, अभी के जल्दी भेजिए। हुजूर, वो नीतीश बाबू ने थाने में आने को बोला था, मैं रामू। हुजूर, सब झूठे, हमारे पास कोई सांप वाप नहीं है, और जब से सरकार ने सांप पकड़ने पे प्रतिबंध लगाया हमारी तो रोजी रोटी चली गई। वैसे भी लोग सही कहते सर, उस इलाके में एक सांप है। अब बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहे, हमारा पुश्तैनी काम है, हमें देखते ही समझ में आ जाता है, और वो कोई साधारण सांप नहीं है, मायावी सांप है, जमीन के अंदर रहता है, कब बाहर आता है कब गायब होता है कुछ पता नहीं चलता, वो नागराज है। एक्सक्यूज मी सर, सच्ची बोल रहा हूं। ओ कहानीकार, बहुत सुन ली तुम्हारी कहानी, और सुनो, बिना बताए शहर छोड़कर जाना नहीं। जी जरूर सर। सर, जतिन के रूम से जो सामान मिला था उसमें ये कागज का टुकड़ा भी था, डस्टबिन में। ये नागराज है क्या? सर, हो सकता है कि यही वो पर्दा हो जिसके पीछे सारे राज छिपे। सर, यश को जो ऑनलाइन परेशान कर रहा था नॉटी एस, उसका पता चल गया है। कौन है वो? शुभम। बहुत नॉटी बन रहा था ना तू कमेंट सेक्शन में। तो मुझे ना गुस्सा आ गया था जब वो ईशा ने उस फट्टू का सपोर्ट किया था। ईशा, हेलो। छोटे से शहर कोल्हापुर में बड़ा धमाका, तीन बच्चे एक के बाद एक मौत के घाट उतर गए, और इस सनसनी माहौल में पुलिस के पास एक भी मौत का कोई जवाब नहीं। सर, हर चैनल पे यही न्यूज दिखा रहे हैं। यही तो होगा, ऐसा रोज रोज थोड़ी होता है। ये तीसरा तो सुसाइड ही है। सवाल ये है कि तीन लड़के, दो सेम उम्र के और एक उनसे थोड़ा बड़ा, एक का मर्डर और दो आत्महत्या, क्या कनेक्शन है इनका? कनेक्शन है भी या नहीं? एक और मौत, पर इस बार खुदकुशी। एक मोहल्ले में दो लड़कों की मौत में पुलिस समानता बिठाने की कोशिश कर रही थी कि अब एक और मौत हो गई जिसका उन दो मौत से कोई लेना देना नहीं था। आदित्य ना तो उन दोनों के मोहल्ले का था, ना ही वो उनका हम उम्र। बस इसी कारण से इस हादसे के बाद शहर के हर माँ बाप के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो गया कि शहर में युवाओं के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं चल रही थी। सर, लड़के का नाम आदित्य धर था। पड़ोसियों ने कहा है कि लड़के का कोई भी नहीं था, उसकी माँ उसको छोड़ के जा चुकी थी। उसका बाप शराबी था जो 3 साल पहले मर गया था। लड़के ने खुद की गाड़ी खरीदी थी सर। गाड़ी? ऐप वाली सर, कैब चलाता था। तो कहीं उसी को तो लेकर कोई प्रेशर नहीं था? मतलब हो सकता है कि गाड़ी लोन पे ली हो, लोन एजेंट का कोई प्रेशर। सर, मैं यश की दोस्त ईशा चुप चुप रहता था सर, और बस इसलिए शुभम और उसके गैंग वाले उसके पीछे पड़े थे। तुम उसे अच्छे से जानती थी? थोड़ा बहुत ही जानती थी सर, एक साथ ट्यूशन जाते थे, वो भी 1-2 साल पहले। फिर वीडियो ऐप में मैंने उसे डिफेंड किया था तो थोड़ी बहुत बात शुरू हुई थी। क्या बात हुई थी? बात तो ज्यादा कुछ खास नहीं, पर शायद वो मुझे कुछ बताना चाहता था, पर बार बार उसके फोन पे फोन आ रहे थे तो वो थैंक यू बोल के ही निकल गया। किसका फोन था, उसने कभी कहा तुमसे? नहीं, लेकिन सर लास्ट की 4 डिजिट 7 थी, 7777, उतना ही देखा था मैंने। सर, ये आदित्य का केस तो एकदम उल्टा है सर, उसके ऊपर लोन का कोई भी प्रेशर नहीं था, उल्टा वो तो अपनी गाड़ी बेचना चाहता था, इसी वजह से बैंक वालों के साथ उसका झगड़ा भी हुआ था। बैंक ने कहा कि जब तक लोन नहीं चुकाओगे तब तक तो कुछ नहीं होगा। इतनी मेहनत करके उसने ड्राइविंग का धंधा शुरू किया अपना।
समझ नहीं आ रहा फिर वो गाड़ी क्यों बेचना चाहता। सर बस एक महीने पहले से मैं जतिन के साथ टीम बनाकर पोकर खेल रहा हूँ। तुमसे पहले उसकी टीम में कौन था? वो पहले आदित्य 11 के साथ खेलता था, उसके बाद आईडी बंद हो गई। अगर आदित्य पोकर खेलता था तो उसके मोबाइल में कोई ऐप तो होना चाहिए। हमने उसका पूरा मोबाइल चेक किया लेकिन उसके मोबाइल में ऐसा कोई ऐप नहीं मिला। मैं हो सकता है क्योंकि उसने पोकर खेलना बंद कर दिया। आप उसके बैंक अकाउंट चेक कीजिए और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज मुझे भेजिए। हो सकता है कि ये तीनों केसेस आपस में लिंक्ड हो। आदित्य और जतिन पोकर फ्रेंड्स थे और यश जतिन का दोस्त। ये तीनों कहीं ना कहीं मिलते जरूर होंगे। सुनिए। चलो यश और आदित्य के फोन रिकॉर्ड से कॉमन नंबर मिला है। जैस्मिन का? नहीं सर, वो नंबर जो 7777 पर एंड हो रहा है। ये सबको क्यों फोन कर रहा है? कौन है ये? एक काम करो, वो तीनों लड़के और ये नंबर, इन चारों का पिछले एक महीने का फोन लोकेशन निकालो और देखो कि ये चारों नंबर कभी भी कहीं भी एक एरिया में साथ में थे या नहीं। क्योंकि जो भी शुरू हुआ है वो वहीं से शुरू हुआ होगा। सर एक महीने पहले चारों नंबर का लोकेशन इसी जगह के आसपास था। यहाँ कहाँ? ये जतिन की माँ ने जतिन होटल में जाता था ऐसा बताया था। अब वो कौन सी होटल में गया? सर हमें कुछ नहीं पता। मुझे लगता है हम लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ सब मिलता है सर। अब बोलिए तो सही, क्या चाहिए आप लोगों को? 7777 ये किसी के मोबाइल नंबर के आखिरी के चार डिजिट्स हैं। और हमें पता लगा है कि जिसका मोबाइल है ये वो बंदा यही बैठता है। 7777 अच्छा ये तो नागराज का नंबर है। अब तो उसका धंधा भी बंद है इसलिए वो यहाँ नहीं आता। यस सर। अरे वो नागराज है कहाँ? अब वो यहाँ नहीं आता भाई, कमाल है, सब लोग नागराज को ढूंढ रहे हैं। अबे रुको ना यार। वेटर, ये मेरे दोस्त है, इन लोगों को इधर की रेगुलर डिश नहीं, नागराज की स्पेशल डिश चाहिए। जाओ नागराज को बुलाओ और कहो कि मेरे खास दोस्त है, इनको स्पेशल आइटम चाहिए, मजा आ जाना चाहिए इन लोगों को। इसको ढूंढ रहे हैं, नागराज को। आप लोग भी नागराज से मिलने आए हो? आप लैब जाके आए? लैब मतलब तू भी? रूम तो बहुत बढ़िया है अंदर, तुम लोग को मजा आ जाएगा। अंदर आ जाओ, आज फुल ऑन पार्टी करेंगे, क्या बोलता है भाई? तुम्हारा और नागराज का फोन क्यों ऑफ आ रहा है? कितने दिनों से मैं नीचे रेस्टोरेंट में वेट कर रहा हूँ, तुम्हें कॉल्स किए, मैसेज किए, अब तुम्हारा रिप्लाई आ रहा है। बात करने को अब कुछ बचा है क्या? तुमने जो मेरी हालत की उसके बाद? या मैं इसलिए थोड़े पैसे लाया हूँ। तुम प्लीज ये रखो और अपना इलाज करवा देना, ठीक है? जल्दी आओ। दिया सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मैंने हिम्मत करके मेरा HIV का टेस्ट करवा लिया है और मैं नेगेटिव भी हूं। लेकिन तुमने उस दिन जो कॉल पे बोला था वो
एक? क्या बात कर रही हो, तुम्हें एक कैसे हो सकता है यार? तुम लोग में से ही किसी से हुआ होगा, प्रोटेक्शन भी छूट गया था और उस रात के बाद ही मैंने टेस्ट करवाया था, लेकिन अब तुम तीनों को भी हो गया होगा। मेरे इलाज के पैसे अब तुम तीनों लाओगे, 30 लाख रुपए, वरना मेरे साथ जो किया ना वो नागराज जाके सबको बता देगा और तुम तो मर जाओगे, और तुम्हारे माँ बाप की जो बदनामी होगी ना पूरी जिंदगी भर लोग थूकेंगे उन पर। साले तू हमें होटल लेके गया था, तूने बोला था मजा आएगा वहां पर। अबे इन्फेक्शन तो तुम दोनों की वजह से हुआ ना मुझे, भाड़ में जाए तुम्हारे जैसे दोस्त, भाड़ में जाए पोकर, तुम दोनों अपना देखो, मैं अपनी गाड़ी बेच के जुगाड़ कर लूंगा। अबे भाई इतने पैसे नहीं हो पाएंगे भाई, मेरे पापा को पता चला ना वो मार डालेंगे मेरे को। सुन मैं पोकर में कोशिश करता हूँ, तू अपनी मम्मी से कुछ गहने वहने निकलवा सकता है क्या, उनके उनसे दोस्ती कर, उनके वीडियोस वगैरह बनवा। इतने पैसे नहीं हो पाएंगे यार, सुन ना अपन लोग चोरी छुपे वो एक बार HIV टेस्ट करा ले गया, वो जासमीन है ना लैब वाली, उससे दोस्ती करते हैं ना। तो वो दोनों इसलिए जासमीन से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे? साहब ये नागराज का प्लान था, जवान लड़कों को एड्स का डर दिखा के पैसे कमाने का। तो क्या मालूम था साहब वो डर के मारे सुसाइड कर लेंगे। मतलब सिर्फ आदित्य और जतिन ने नहीं बल्कि यश ने भी। पकड़ लो इस नागराज को भी, इन बच्चों की जिंदगी का असली सांप तो यही था, उन्हें एड्स है ऐसा झूठ बोलकर उन्हें ब्लैकमेल करके उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। इतने होनहार लड़के, एक गलती और तुम लोगों ने उन्हें दबोच लिया, बेचारे ना जासमीन से कुछ कह पाए, ना ही उतने पैसों का जुगाड़ कर पाए और ना ही घर पर किसी से बात कर पाए, सब खत्म हो गया। लेके चलो इनको। तीन लड़के जो अपनी जिंदगी में आगे चलकर कुछ अच्छा कुछ बड़ा कर सकते थे, वो अपनी एक गलती की वजह से जान से गए। यश, जतिन और आदित्य में और कुछ कॉमन हो ना हो, पर ये जरूर कॉमन था कि इन तीनों के माँ बाप इन्हें ठीक से अटेंशन नहीं दे रहे थे। युवाओं के साथ ये क्राइम हुआ क्योंकि इस कच्ची उम्र में उनका शोषण करना बहुत आसान होता है, और ये तब मुमकिन होता है जब माँ बाप और बच्चे के बीच कम्युनिकेशन गैप होता है। इसलिए ये माता पिता का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को सुने, उनसे बात करें और ये समझें कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। यदि माता पिता अपने बच्चों के दोस्त बन जाएं तो बच्चों के पास हमेशा कोई होगा जिसके साथ वो अपनी प्रॉब्लम्स अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं। बस इसी तरह से हम ऐसे क्राइम्स को हमारे आसपास होने से रोक सकते हैं। आपसे विदा लेता हूं, कल फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल के इस विशेष श्रृंखला में एक नए केस के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।